الحمد لله الذي يصطفي سبحان الله الذي يصطفي من عباده من يشاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين سبحان الله والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت زوق شوق بلند آواز میں پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى أصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين سبحان الله شوق نال سماعت کرنا ہے اور یہ کلام
थोड़े को पहली बार पढ़ रहे हैं, लिखण तो बाद पहली महफिल है और पहली बार पढ़ रहे हैं। मोहब्बत ना लफ्जा से भी गौर रखना है जो मुफ्ती साहब मजमून पेश फरमा रहे सो वो मतलब के अंदर ही मैं उसनों रखे है। आओ गल करिए खुदा दे यार दी, आओ गल करिए खुदा दे यार दी, मालिक अर्ज़ो समा मुख्तार दी, आओ गल करिए। हजरत साहब ने तुहानू बुलाया है, मैनू बुलाया है, मकसद की है, आओ गल करिए खुदा दे यार दी, मालिक अर्ज़ो समा मुख्तार दी, आओ गल करिए खुदा दे यार दी, आओ गल करिए खुदा दे यार दी, मालिक अर्ज़ो समा मुख्तार दी, हर किसे नू रोशनी दे दे हुज़ूर, हर किसे नू रोशनी दे दे हुज़ूर, अर्श फरशां विच चमक सरकार दी, अरशा फरशा विच चमक मोहब्बत नाल जरा ज़ौक नाल, अरशा फरशा विच चमक सरकार दी, मालिक अर्ज़ो समा मुख्तार दी, शाही मिल गई आपनू ची नबियां दे सरदार दी, आओ गल करिए खुदा दे यार दी, मालिक अर्ज़ो समा मई हलीमा आखे घर चांदन होया, जद सवारी आई मीठे मन ठार दी, जद सवारी आई मीठे मन ठार दी, आओ गल करिए खुदा दे यार दी, मालिक अर्ज़ो समा मुख्तार दी, तेरा सदका खांदा है सारा जहां, तेरा सदका खांदा है सारा जहां, तुम जमाने विच तेरे दरबार दी, तुम जमाने विच तेरे दरबार दी, आओ गल करिए खुदा दे यार दी, मालिक अर्ज़ो समा मुख्तार दी, और मक्ता 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 सग शिराजी तेरे दरदार या नबी, सग शिराजी तेरे दरदाया नबी, इसनु पाओ
अपने प्यार दी इसनु पाओ रोटी अपने प्यार दी सग शिराजी तेरे दर दाया नबी सग शिराजी तेरे दर दाया नबी इसनु पाओ रोटी अपने प्यार दी मालिक अरजो समा मुख्तार दी आओ गल करिए खुदा दे यार दी मालिक अरजो समा मुख्तार दी मालिक अरजो समा मुख्तार दी अल्लाह जल्ल जलालहू दी हमद और सना बहुजूर नबी रहमत शफी उम्मत इमाम कायनात जनाब अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही व बारका वसल्लम आदि पाक बारगाह अंदर हदिया अकीदत दुरूद व सलाम व हदिया अकीदत नात पेश करने तो बाद निहायत ही लायक सद एहतराम जी वकार उलमाए किराम खुसूसन उस्ताद उलमा पीरे तरीकत राहबरे शरीयत साहबजादा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुम अलिया व दीगर तमाम जी वक़ार उलमाए किराम व अवाम अहले सुन्नत व बानियान महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अज दी ए बाबरकत रूहानी महफिल का सिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनेकाद पज़ीर है 74 डीबी लाल पटे बरादर मुकर्रम उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी ग़ुलाम यासीन साहब अत्तारी दामत बरकातहुम अलिया उन्हां दी मेहनत और उन्हां दी मोहब्बत नाल सालाना इस महफिल पाक दा तमाम चक वाले और तमाम दोस्त अहबाब उन्हां दे तआवुन नाल इस दा इंतजाम और इंतजाम हुंदा है अल्लाह जल्ला जलालहू जितने भी दोस्त अहबाब जिस हवाले नाल इस महफिल पाक के अंदर शिरकत करते हैं अल्लाह जल्ला जलालहू सब दी नेक नीयत नूं शर्फ़े कबूल अता फरमावे वक्त भी इंतहाई तेजी दे नाल रवां और दमा है काफ़ी वक्त गुजर चुके हैं तुसी भी मुख्तलिफ शोबे नाल तालुक रखने वाले दोस्त अहबाब मौजूद हो हर बंदे दी अपनी अपनी मसरूफियत है कोशिश करांगा कि इख्तिसार नाल जनाब के सामने कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करां जिस आया करीमा नू खुतबे दे अंदर जनाब के सामने तिलावत कीता है उस आयत का शान नज़ूल बयान करांगा अगर वक्त की इजाजत होई तो चंद अहादीस भी नाल पेश करांगा गुफ्तगू का उनवान मोहब्बत रसूल का तकाजा की है सुभान अल्लाह जाग रहे हो सुभान अल्लाह जरूरी नहीं
कि तुसी हाथ चुको ना ही मैं तुहाडे ते इहदा कोई फतवा लाना है कि जिहड़ा हाथ नहीं चुकेगा वह फलाए फलाए मैं माफ करना ना तुहाडी खुशामद करनी है ते ना किसी और दी मुफ्ती साहब के हुक्म की तामील करदे होया उलमा दा नौकर हां मैं इंशाअल्लाह कल बुजुर्गाने दीन दा सदका अल्लाह दी बारगाह विच सवाल करांगा मैनूं अल्लाह उस गल दी करने दी तौफीक देवे जिहड़ी उस नूं पसंद होवे उहदे हबीब नूं पसंद सुभान अल्लाह क्या बात तुसी सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल ना भी बोलोगे ते फिर भी तुहानू परेशान होने की लोड़ नहीं असा सरकार दा जिक्र करना है कुरान की आयत पढ़नी है हदीस सुनानी है तुहाडा ये भी एक बहुत बड़ा एहसान है कि तुसी मुहब्बत नाल उलमा दी गुफ्तगू नू सुन लेते हो इस तरह के जुमले एक बाजारी सिलसिला है और वो चल रहा है हो सकता है तुहानू महबूब होवन लेकिन मैं किबला मुफ्ती साहब के कदम से हाथ रख के आखांगा उलमा इस तो बरी जिमान है तवज्जो है तुसी अपने बैठन का सबूत दो भावें तुसी उची आवाज ना लाखो लेकिन एक करो भी इस मौके तो यह फायदा ना उठायो कि मैं बोलता रहा तो तुम सुते रहो जागना जरूर है तवज्जो है ना जी समझ आ रही मेरी गल बिल्कुल नहीं मेरे तो परेशान नहीं होना सुभान अल्लाह ना आख्या तो असं अली दे मुनकर हो जावे फलाने दे मुनकर हो जावे नहीं नहीं जुन्नो अलल मोमिनीन खैरा तुसी मोमिन हो अल्लाह तुहानू ईमान की दौलत दिती है जिसने कलमा तैयबा पढ़िया है अलहम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम जिहड़े अहले सुन्नत ने उन्होंने अकीदे नूं औलिया ने महफूज रखे है उलमा हिफाजत करते ने बनावटी और बाजारी चीजों नाल साडे अकीदे की हिफाजत नहीं होंदी असल ये चीज है दिल बोलो सुभान अल्लाह इस वास्ते ताकि मैं पता लगे तुसी जाग रहे हो वरना हर गल ते मैं तुहाडे हाथ चकावां ते एक अजीब समा हुंदा है मकसूद ते है ना पैगाम पहुंचाना अजीजा ने गिरामी मोहब्बत दे रसूल ऐसी चीज है उन्होंने ही पूछना चाहिए जिन्होंने अल्लाह ने दौलत कामिल दी है कोई मोमिन भी इस तू खाली नहीं अल्हम्दुलिल्लाह और यह साडा अकीदा है जब तक आपकी मोहब्बत ना हो बंदा मोमिन ही कोई नहीं बुखारी की हदीस उलमा कुछ देर पहले भी खुतबे के अंदर किबला नूरानी साहब पढ़ रहे सन कि हर चीज तो वध मोहब्बत आप दे नाल एक कामिल ईमान है बैठे हो ना जी सुभान अल्लाह इस नीयत नाल आखो उची आवाज नाल भी इस नीयत नाल आखो कि एक ते साडे तो सुस्ती दूर होवे दूसरा सिर्फ अल्लाह की रजा यानी साडी जुबान तर रवे मैनू दात देने वास्ते भावें तुसी ना बोलो और ना ही ये मेरा मतलब जौक है इस तरह का कि तुसी नहीं बोलोगे तो मैं तकरीर छड़ देंगा नहीं इंशाअल्लाह जिन्ना एक वक्त अल्लाह की तरफ तौफीक होगी मैं जरूर जनाब की खिदमत के अंदर चंद गुजारिशात पेश करांगा सब तो पहले लफ्ज़े मोहब्बत वाल गौर करो बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में जनाब तक गल पहुंचानी है मोहब्बत दिल की कशिश नूं कहिंदे ने दिल की किसे शै वल रगबत हो जावे ना जिसनूं सरकी च कहिंदे ने सिक क्या बोलो सही बोलना कोई हो नहीं नाल नाल बुलेसो तो पता लग सी सिक और ही सिक दी गाल अज सिक मित्रां दी बथेरी है मित्रा आखदे ने महबूब नूं
हुजूर ताजदार गोलना ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया सिख सरेकी च बिल्कुल सादा लफ्ज सिख नु मोहब्बत आखदे ने और ये ज़हन च रखो और ये हकीकत है कोई दिल भी मोहब्बत तो खाली नहीं कोई दिल भी मोहब्बत तो मुतलक मोहब्बत की गल कर रहा अल्लाह रसूल की मोहब्बत अगे समझानी है सुभान अल्लाह मोहब्बत तो कोई दिल खाली नहीं हर इंसान के दिल च किसे ना किसे शय की सिक जरूर है सुभान अल्लाह है कि नहीं भावे मोमिन है भावे गैर मोमिन है भावे वो आलिम है भावे वो मुफ्ती है भावे वो पीर है भावे अवामी बंदे ने कोई भी है मैं दुनिया के तमाम इंसानों की गल कर रहा जिन्होंने अल्लाह ने अकल दी है ना जिहड़े अकल तो वेले ने उन्हां दी गल नहीं करदा हर दिल च सिक जरूर है मोहब्बत जरूर है लेकिन मोहब्बत दे रस्ते जुदा है मोहब्बत दे राह जुदा ने किसे दी मोहब्बत केड़ी शै नाल है किसे दी मोहब्बत केड़ी शै नाल है यानी दिल दा खिचाओ तुसी आप वेखो तुसी आप वेखदे हो किसे दे दिल दी मोहब्बत सुई कबूतरा नाल अड़ जांदी है उनू फिर धुप भी भुल जांदी है छां भी भुल जांदी है सारा दिन खोके ते कर ये मोहब्बत इस सिक के अंदर तवज्जो है ना सिर्फ मैं सिर्फ गल समझानी है किसे दे दिल दी ओ रगबत सिक मैलान कबूतरा वल्ले कुकड़ा वल्ले किसे नु तिजारत वल्ले किसे दा दिल दुनिया वल्ले जमींदारा यानी एक दिली मैलान हो जाता है कि उसनु एक दिली तौर पे रहमत हो जाती है हत्ता के कई हराम जानवर नाल भी प्यार कर दें कोई इन्ने शौकीन होते ने उन्हां दा दिल कुत्तियां नाल लग जाता है इस तरह के वो कुत्तियां नु बड़ी सोहनी जगह पर बिठाएंगे मक्खन आप भावें चटनी नाल भी ना खाओ उन्हां नु मक्खन खवाएंगे बादाम खवाएंगे असल ये सिख के लेकिन मैं जी गल समझाना चाहना गैर मुस्लिम ने उन्होंने वेखो हर किसे दा दिल किसे ना किसे पासे जरूर अड़े है लेकिन कितने खुश बख्त ने वो इंसान कितने खुश नसीब ने वो अल्लाह दे प्यारे अली हजवेरी जैसे ख्वाजा अजमेरी जैसे पीर मेरे अली शाह जैसे शहनशाह शरकपुर मियां साहब जैसे शाह साहब करमा वाले जैसे इमाम अहमद रिजा जैसे कितने खुश वक्त में कि उन्होंने दिल के अंदर किसे शह की रगबत नहीं किसे पासे उन्होंने दिल की कशिश नहीं खिंचाव नहीं न दुनिया वल्ले न दुनिया के साजो समान वल्ले उन्होंने दिल की सिख है ते सिर्फ उस जात वल्ले जिस दे वास्ते जमाना सिख दे बोलो ते सही रस्ते जुदा ने भाई ये मैं बिल्कुल सादा मोहब्बत का माना दसिया तुहानू कोई बंदा खाली नहीं लेकिन सब तो बेहतरीन ओ दिल है जिस दिल के अंदर अल्लाह रसूल का प्यार है अल्लाह रसूल दी मोहब्बत है और कामिल दर्जे दी इसमें कामिल दर्जे की गल कर उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़ा कलमा पढ़ता है दावा भी करता है दिल च कुछ ना कुछ वो जरूर एक चिंगारी मौजूद होती है अज जिहड़ी तुहानू खिंच के लाई आई है ये भी तो उसकी अलामत है लेकिन मुहब्बत है हुण आओ मुहब्बत का तकाजा समझते हैं उची आवाज़ नाल बोलो सुभान अल्लाह मैं कुरान की आयत पढ़ना उसका शान नज़ूल के अंदर हदीस पढ़ांगा ते दे ज़िमन च ही गल करांगा इरशाद रब्बानी व मैं युति अल्लाह व रसूल फौलाइक मअ अल्लज़ीन अनअम अल्लाह अलैहिम मिन النبيين والصديقين والشهداء حسن أولئك رفيقا
इस आए करीमा दा तर्जमा और उसका मतलब बाद में समझावांगा। पहले इस आए करीमा दे मुतालिक हदीस दी रोशनी दे अंदर शाने नुजूल समाज फरमाओ। ए आया मुबारका हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते ने किस बंदे दे हक दे अंदर नाजिल हुई। पूरी मैं रिवायत जनाब दे सामने पेश करना। इमाम जलालुद्दीन सुयूती आले रहमा ने अपनी किताब दे अंदर इस रिवायत नकल फरमाया और इस तो इलावा बाकी मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस नु रिवायत कीता वे। आका इनामदार इमाम अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला नु इस रिवायत दे रावी ने अन अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्नहु काल इन हाजिहि आयत नुज़िलत फी हक्कि सौबान मौला رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قليل الصبر على مفارقته فات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوما وقد تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن في وجهه فساله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن حاله فقال يا رسول الله ما بي من وجع ولا مرض तवज्जो नाल मेरे आखा इनामदार दे 10 साल खादिम हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते ने इमाम अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे पाक गुलाम हजरत सौबान उन्हां दा जिक्र करदे आ फरमाउंदे ने ए जिहड़ी आया मुबारका वे जिहड़ी हुणे खुतबे दे अंदर पढ़ी आप सरकार फरमाउंदे ने ए आया मुबारका वमय्यो ते अल्लाह व रसूल लाखे ए आया मुबारका हजरत सौबान दे हक विच नाज़िल हुई। मोहब्बत करदे सन मोहब्बत इन्हां नूं आप दे नाल बाकी सहाबा नूं भी है सी तमाम सहाबा सोने दे नाल शदीद ही मोहब्बत करदे सन लेकिन कुछ ऐसे सहाबा ने जिन्हां दे अंदाज ही निराले सन मोहब्बत दे अंदाज निराले सन। हजरत सौबान उन्हां विच ने आप हजरत अनस फरमाउंदे ने शदीद अल-हुब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदनी ताजदार दे नाल शदीद मोहब्बत करनी ते शदीद दा लफ्ज़ जदों हुब नाल आ जांदा वे फिर इस नूं इश्क आखदे ने की आखदे ने इश्क आखदे ने। और इश्क की ये रिवायत सुनो मेरे आका इनामदार दे खादिम हजरत अनस बिन मालिक फरमाउंदे ने कलील सब्र अला मुफारकतेह ज़ाहरी कैफियत आप दिए सी। हजरत अनस बिन मालिक फरमाउंदे ने हजरत सौबान दी कैफियत सी आका इनामदार दे नाल शदीद मोहब्बत सी कलील सब्र अला मुफारकतेह सोने दी जुदाई दा सबर नहीं कर सकदे सन सबर दे थोड़े सन मदनी ताज अपने घर जाते ने अपने बीवी बच्चों के कोल जदों पहुंचते ने पहुंचते ही ने ते फिर वापस पलट पैंदे ने सौबान क्यों इत्थे क्यों नहीं बैठ लगे। अल्लाह ते सौबान बारगाह रिसालत के अंदर इसका इकरार करते ने या रसूल अल्लाह बीवी बच्चों के नाल सुकून नहीं मिलता मैं घर जदो जाना वा मेरा घर के नाल दिल नहीं लगता वापस सुने तेरी बारगाह के अंदर आना वा दिल नूं सुकून मिलता जुदाई बर्दाश्त नहीं बस थोड़ा जिहा घर जाने सब कुछ है। तुसी सोचो जनाब बीवी बच्चे किन्नी अल्लाह ने एक तभी मोहब्बत रख दी कोई बंदा भी इस तो खाली नहीं लेकिन जिथे तकाबुल इश्क आ जावे ते इश्क भी ओ होवे जड़ा है भी हकीकी है ते फिर किसे आशिक नु पुछो कि जदो इश्क आ जावे फिर उथे सबर नहीं होंदा
हजरत अनस ने जड़ा जुमला बोलिया कलील सबरे अला मुफारकते ही आप दी जुदाई दे उते आप दा सबर इंतहाई थोड़ा सी सबर नहीं करदे सन जुदाई बर्दाश्त नहीं करदे सन आरिफ खड़ी फरमांदे ने इश्क अंदर सबर ना रचींदा के सूरज मैल सूरज मैल न लगदी सुखा रूह पर नहीं सकदा ए पर्दा पोशी अगर दी छोली पा अंगारी मोहरी मती कोई छुपा ना सके इश्का मुश्का ये दरिया ये कौन छुपाए सके इश्क दी गल ख्वाजा गुलाम फरीद तो पूछी पिया इश्क असाडी आन संगत पिया इश्क असाडी आन संगत गई शद मद जबरदी पिया इश्की असादी सब विसरे इलम उलूम असा भुल भुल गए रसम रसूम असा हे बाकी दर्द दी धूम असा हे बाकी दर्द दी धूम असा قلیل الصبر علی مفارقت حضرت انس فرماتے ہیں حضرت سلمان دی کیفیت اے وہ دل نہیں لگدا آپ دی جدائی برداشت نہیں ہوندی ایک دن آقا انعامدار تشریف لے فاطم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم آقا انعامدار آئے ویکھیا حضرت سلمان دا رنگ تبدیل ہویا ہے نخل جسم و جسم کمزور ہویا وے جسم وعرف الحزن فی وجہ فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے پچھان لیا کہ کوئی نہ کوئی غم لگیا ہے چہرے تے غم پچھانے آ غم پچھانے آ کہ عاشق چہرے تو پچھانے جاندے نے جنہاں نو روگ لگدا ہے نا وہ چہرے تو پچھانے جاندے نے اور اے پھر इश्क दी खासियत जिस जगह ते आ जांदा ना उत्थे फिर कमजोर की उत्थे साड़ के सुआ कर छड़दा ए तुसी समझदार बैठे हो जिम्मेदार हो तुसी देखदे हो वो आपस रेकी जिहनूं कहिंदे आ लूत उतारां जिहां पीलियां अंबर मेल पंजाबी च कहिंदे ने वेखीए ने की आखदे हो तुसी लूत ही आखदे ने पीलियां तारां ए पता है भी इसका मुढ़ कि बोलो तो सी किस मुढ़ वेखे बिज वेखे ने कि
बुजुर्गां मिसाल दिती है, फरमाया इश्क इवें जिवें ए बूटी आउंदी है पता नहीं कित्थों आउंदी है ते कित्थे पै जांदी है, इश्क भी पता नहीं कित्थों आउंदा ते कित्थे पै जांदा है। फिर फरमाया ए जिथे पैंदी है दरख ते पै जावे पठियां घा ते पै जावे उत्थे सुका दिंदी है, ते जिथे हजरत इश्क आ जावे वह भी सुका छड़दा है। नहला जिस्मो इश्क भी हबीबे खुदा दा सच्चा इश्क क्यों ना रंग तब्दील होवे। और जे आखो ते आशकां दी इस सिफत नूं शोर कोट दा बादशाह सखी सुल्तान बयान करदा है। बोलो ते सही, आप की कहंदे ने? आप फरमाउंदे ने अलिफ अखी सुरख, ये आशकां दी अलामत है। अखी सुरख ते मुंह ते जर्दी, अखी सुरख ओही कैफियत जिहड़ी हजरत सुभान नूं बनी सी। फरमाया अखी सुरख ते मुंह ते जर्दी, हर दिलों दिल आही हो मुह महाड़ी खुशबू वाला पहुंचा वन के दाही। छुपे रहंदे इश्क ते मुश्क ना छुपे रहंदे, जाहिर इत्थे उठाही हो नाम सतीरी ना جسم کمزور ہوتا جا رہا ہو، آخا نامدار نے پوچھا سوبان کی ہوا، کوئی مرد لگ گیا، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی تکلیف ہے کسی جگہ تے درد ہے جس دی وجہ دے نال اے حالت بن گئی۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ، نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی درد ہے، اک تیرے عشق دا روگ لگیا۔ اللہ سونے ہو، جناب دی جدائی دا ڈر رہندا وے، جناب دی جدائی دا ڈر رہندا۔ میں جدوں عرض کردے نے یا رسول اللہ، جدوں دی اپنی کیفیت تے ویکھیے کہ میرا دل اپنے بچیاں دے نال نہیں لگدا، گھر دے اندر سکون نہیں ملدا، سونے ہو اے میرے دل دے اندر ہوک اٹھ دیئے کہ ایتھے دل نہیں لگدا، تے موت نے بھی چھوڑا جدوں پا دینا وے پھر کی بنے گا۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ، میں سوچدا اے رہنا وا آخرت نو یاد کرنا وا، موت آ جانی ہے میں اس دنیا تو رخصت ہو جاواں گا۔ سنے او ہن پھر اگے جڑا مرحلہ وے، ایتھوں توجہ نال سنیو بھائی،
जीवाना बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ते सुभान अल्लाह करदे ने या रसूल अल्लाह मैं बैठ के सोचे आवे जे रब फजल कर दिता जन्नत मिल गई ते तुसी ते नबियां दे नाल बुलंद मकाम च होगे। तुसी नबियां दे सरदार हो, तुहाडा मकाम उच्चा, तुहानू अल्लाह ने ओ शाना अता कीतियां के सब नबियां तो उच्चा तुहाडा मकाम होना है। जी अल्लाह फजल कीता जन्नत दा दाखला मिल गया ते सोणिया इत्थे दिल नहीं लगदा, जे जन्नत च तुहाडी जुदाई हो गई ते तुहाडा दर्जा उच्चा साडा दर्जा होर होया ते मुड़ की बणस। एक गल, दूसरी गल सुनो भाई, हजरत सुभान करदे ने या रसूल अल्लाह, दूसरी गल के जे सोना अदल करने ते आ गया, तवज्जो नाल भाई, सुभान अल्लाह, अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह जे अल्लाह फजल ना फरमाया कोई पता नहीं उदी खुफिया तदबीर की। ये सहाबी रसूल हैं, तवज्जो से बात सुनना, हम तो सिर्फ एक रुपए के बदले एक दूसरे को जन्नती बना रहे हैं। ये बड़ा सस्ता 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 सिस्टम चले आए हैं, नाद खा होता है वो भी पक्का जन्नती बना के जाता है, जे नकीब साहब आते हैं वो भी पक्के जन्नती, मौली साहब रेंदी सेंदी कसर वो भी कट छड़ते हैं, ते जदो महफिल च उठ के असी जाने और पूरा साल मसीह तो दूर ही रहने हैं, क्योंकि है जो जनती है। जनती लोगों का केड़ा काम है भाई मसीह दे च, कोई मान नाल दसो जदो तुहानू इंज दी सोच और इंज दा नजरिया इंज दी फिक्र तुहानू पेश कीती जावे कि फलाना इंज जनती हो गया, फलाना इंज जनती हो गया, आपे साडा पट्ठा बोलणा मस्जिदा सोच जिहड़े ओ आबाद ना करन दी कोशिश करनी और असी कर रहे हैं, आबाद नहीं कर रहे। जदों ये नजरिया बन जाने और हकीकत जदों सुन बैठांगे, शेरां विच सुन बैठांगे, सुर नाल सुन बैठांगे, जिन्हें मिलाद कराया मिलाद विच आया, जिन्हें ये चकीता वो चकीता, जिहड़ा अली नूं मन्नेगा जिहड़ा हुसैन दा हो गया वह जत्ती हो गया, जिहड़ा नहीं होया वह नहीं होया, इंज दी जदों असी गुफ्तगू सुणांगे उठांगे आखांगे भई ये ते बस एवें गल्लां ने, जत्ती ते असी बन गए, बाकी हुण अमल वाले पासे आउणा कोई नहीं, इहदा मतलब निकलिया हुण तुसीं आप फैसला करना है। ये अगली गल हजरत सौबान की सुन के भई साडा नजरिया साडी सोच ये जिहड़े सानू मुंतकिल कर रहे ने ते साडी बना रहे ने ये औलिया की सोच है, सहाबा की सोच है, या इन्हां अपनी तरफों कोई बनाई, बोलो ते सही। मैं इंशाल्लाह तुहानू मैं पूरी महफिल च कोई जमानत नहीं दिता, ना मैं अपने आप नू माज़ल्ला ए पूरे वसूक नाल कह सकना, ना किसे दे बारे, असा ते जो उलमा तो सुने है सीखे है कोई सबक तुहानू सुनाना है, बोलो ते सही। मैं इंज दी कोई ना ते तुहानू माज़ल्ला इंज आखांगा भी तुसी है ही कोई नहीं, ना आखांगा तुसे पक्के जे, तवज्जो है ना जी, मैं इंज दी कोई गल नहीं करनी, और ये उम्मीद भी ना रखे हो क्योंकि इस जन्नत वास्ते पाक हुसैन ने पूरा खानदान को हाया है, ते सानू सिर्फ नकीब और नात खान दे शेरा नाल जन्नत नहीं लग सकती, इहदे वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, जे मेहनत वेखे ते पाक अली दी मेहनत वेख, अबू बकर दी मेहनत वेख, हजरत फारूक आजम दी मेहनत वेख, उस्मान गनी दी मेहनत वेख, असी ते बड़े ऐसे सरेकी लोग आखने जान मिठा अगला जान का है बस गल ही मुक गई, रोला मुक गया, बहुत ही जे कावड़ आवेगी इन्हों कोई गल करो अमल आई बहुत ही गल नहीं कर, हा हा जे मौलवी बख्शीज गए तो सही पुज वैसे सदके कोई ना वो मेरा चन आप मुस्तफा नबी दे यारां दी जिंदगी दा मुताला कर, औलिया दी जिंदगी पढ़, सहाबा दी सोच, हजरत सुभान अल्लाह करे ने या रसूल अल्लाह, सुभान 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 अल्लाह,
سوبان کرنگن یا رسول اللہ جے جنت دا داخلہ اللہ فضل فرما دیتا پھر بھی جدائی دا ڈر رہے جی او دل کرن تے آ گیا عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھی آشانا والے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھی آشانا کردے یا رسول اللہ جی سونے نے فضل نہ فرمایا او دی خفیہ تدبیر دا پتہ نہیں جی جنت نہ ملی ولتا ہمیشہ دی جدائی پیوے سی ہمیشہ دی جدائی سونے ہو بس یہ دو چیزاں دل چاہیے جسم بھی کمزور تھی گے رنگ بھی اڑ گئے سونے ہو اتھا تواڈے بغیر دل نہیں لگتا قبر حشر اے منزلہ انہ تو بات یہ جدائی پہ گئی کیا بڑسی ہی جدائی دے روگ نالی میں میری جسم دی حالت تھی گئی میرے آقا نامدار خاموش رہے بولے نہیں کیونکہ جدامی بولے دن اللہ دی مرضی دے مطابق بولے دن یار ایدو سچے عاشق نبی دے مشاکے تیرے میڈے اس کے دعوے وچ کوڑ تھی سکدے مولوی دیش کے دعوے وچ کوڑ تھی سکدے نات خان دے اس کے دعوے وچ تے کوڑ بالکل واضح ہر کئی کو نظر آندے میں بالکل سی اڈو ڈاڑھی منہی کھڑا ہوئے ہر شہ چٹ کرا کے تھے عشق دے دعوے تے بلا تو کو کھڑا کے بھی جڑا نہ بولے سی وہ عاشق کہنی وہاں میں کہ تیرے ورگا کہنی بولتا صحیح کیوں پریشان تا نہیں وے خدا را میں پچھلی تے جی دفعہ یا پہلی دفعہ ہے مارس کیتا الحمدللہ تو کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم ہیرے نال نوازے عالم دین موجود ہیں تواڈے علاقے وچ انہاں دی صحبت وچ ہنہاں دی اوویں تساں انہاں دی سرپرستی وچ کرن دے وے تھوڑا جیا اے ہر معاملے وچ جناب دی خدمت وچ ہی عرض کیتا کرو کہ ایتھاں ساڈی محفل وچ کیا فاسق فاجر ای ممبر دا وارث ہووے نہ ہووے تساں اپنیاں نہ منوائیاں کرو خاری صاحب تے سٹ دتیاں کرو آواز تے دیوانے نہ بنو اے آواز اے راگ اے انداز اے جو سسٹم پہ چل دے قیامت علی مار تو سارے تو پوچھی سی جڑا تو سائے پسند کرے دے ہاں جی کیونکہ بڑا سوکھا کام ہے بالکل سوکھا ہے ان دے وجہ سے منٹ جنتی بھی بڑھ میں نے عاشقی بڑھ میں نے شہرت بھی تھی میں دیئے ایتے کل قیامت کو پتہ لگ سی نا فاسق دی تعظیم حدیث مصطفیٰ سن میرے آقا انعامدار نے فرمایا جڑے میں نے فاسق دی تعظیم تے تعریف کیتی ونجے رب دا عرش ہل وے ایسے لوگ تقابل کوئی نہیں یہ منبر رسول ہے اگر اعلی حضرت سے پوچھو امام اہل سنت سے پوچھو مجدد دین و ملت سے پوچھو اٹھاؤ ان کے فتاوے علماء کی صحبت اختیار کرو جب سے ہم ان چکروں میں پڑے ہیں ہم سے ہمارے عقائد بھی چھن گئے لوگوں کی وہ ایک بناوٹی لوگوں کی ایک بناوٹی بولوے نے والا سلسلہ سارا چل دینا اچھی والا بولو سبحان اللہ ساڑے لوگ جنہیں میرے ایتھو بادزان تھی لینتا والا آدم چلو ہوئے نماز آلے چنگے نے بیس ریالے اڑے ہنجی لوگ میں کہا قبلہ پہلے ہی نہ دے پیچھو نہ لگو آتا تو آنے کول احمد رضا جیسے بھی ہن میرے علی جیسے بھی ہن ہن بھی ہیں علماء تو سا تصور دے عاشق تھی ہوئے خدا واسطے ذرا توجہ ہے اسی والا بولو سبحان اللہ اور توجہ فرماؤ صحابی رسول حضرت سبحان عرض کریں گے یا رسول اللہ جی جا
جنت دا داخلہ نہ ملیا اے نظریہ رکھ خوف بھی ہووے امید بھی ہووے آپ نے دوہے چیزیں بیان کیتی ہیں کہ یا رسول اللہ جے مل گیا تو والوی جدائی دا ڈر رہے تمہارا مقام اچھا ہو سی جے نہ ملیا تو والتا ہمیشہ بھی جدائی ہے میرے آقا انعامدار خاموش رہے بولے نہیں عاشق سچے میری گال کرنا انہاں دے عشق وچ کوڑ کہے بالکل سچی گال ہے حقیقت ہے تے انہوں نبیاں دا سردار ہے لیکن اللہ دا نبی خاموش ہے سبحان اللہ اگر آنکھیں نہ چاہ پریشان نہ تھی میرے نال ہو سے اللہ اے وی آپ کو اختیار دیتا ہے اس نے صاحب رہا فرمین دے پیان آپ دیئے شان ہے جیڑی چیز جینے واسطے حلال کرن جیڑی چیز جینے واسطے حرام کرن مختارن اللہ نے کونین دی شاہی ہر چیز دے اندر آپ کو تصرف عطا فرمائے محبوب رب کونین دی شاہی پیٹھم محبوب رب کونین دی شاہی پیٹھم کے دے ایویں جی میں خدا ایکون گیا اے جگ کرگ لے دے حبیب اللہ دے نبی اگر فرما دے وینا ہے سوبان پریشان تھی من دی لوڑ نہیں تو اچھ بھی ناشک سچائیں تے کو کڑھی لوڑے پریشان تھی من دی اللہ دا نبی خموش رہے کیونکہ اللہ دی مرنی تو بغیر نبی بولے دے کہنی آپ دا خموش رحمڑاوی امت واسطے انتہائی سعادت بالائے اللہ دے حبیب خموش رہے اللہ قرآن اتاریا سبحان اللہ قرآن اتریا ہن آیت بھی پڑھ سن تے ترجمہ بھی سنے سن تے نال تقاضا بھی دس دے بولو تے صحیح آیت اتری حضرت سبحان نے جڑے ویلے اپنی کیفیت بیان کی تھی اللہ دے نبی خاموش نے کوئی گل نہیں کی تھی سبحان اللہ اتھا کوئی محفل ہے روندہ ہوئے نبی درز نام سن کے تھاڑی مار کے عشق ہو سی میرے سما کوئی دیکھ گینے داک سی سچا عاشق رسول پکا عاشق رسول پکا جنتی اساں بالکل فوری ہو کو جنت ہو جا دے سو لیکن اللہ دے نبی دے سامنے ہنوی صحابی لیکن اللہ دے نبی خاموش ہے کیوں اللہ دے نبی خاموش اس واسطے ایک پیا بولیں دے سارے واسطے قرآن اترے میں جے ایک کو آنکھ دیتا دے باقی میری قریب امت کیا بولتا صحیح ارشاد ربانی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ سونے قرآن اتارے آؤ جبرائیل آیت مبارکہ لے کے آئے اے حبیب فرما دیو حضرت صوبان دے سامنے سب سے آبا دے سامنے آیت تلاوت کی تھی گئی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑا اللہ رسول دی اطاعت کرے سی جیڑا اللہ رسول دی فرما برداری کرے سی اساں اوں کو ایسے لوگاں دے نال رکھے سوں جنہاں تے اللہ انعام کیتا ہے سبحان اللہ
जिन्हां ते अल्लाह जिन्हां ते अल्लाह इनाम कीते ओ केड़े ने इनाम वाले मिन नबीशीन अल्लाह दे नबी व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन सिद्दीक शहीद दादा हुजूर जैसे सालिहीन ये चार तबके अल्लाह ताला ने बयान फरमाए ऐ हबीब इलान फरमा दे ये जेड़े तेरे नाल मोहब्बत रखे ने या मोहब्बत दा इजहार करे ने इना सारे वास्ते इलान है ये हुण तकाज़ है बोलो तो सही ये आयत मुतालबा कर रही है वमन युति अल्लाह व रसूल एक खाली दावा करना मोहब्बत दा तू मैं भी करें दे हर कोई करें दे लेकिन मोहब्बत दा तकाजा क्या है मोहब्बत चाहनी क्या है ये आयत करीमा पे दसदी है वमन युति अल्लाह व रसूल जेड़ा बंदा भी अल्लाह रसूल दी गाल मने अल्लाह फरमाए असा हुकु इना लोगां दे नाल रखे सू जिन्हां ते अल्लाह इनाम कीते अल्लाह दे नबी सिद्दीक शहीद सालिहीन क्या मतलब ऐसा बान घबरा नहीं अल्लाह कुरान उतारिया जे तू चाहने मोहम्मद जुदाई ना होवे दू गाली अल्लाह रसूल दी फरमा बरदारी विच जिंदगी तू गुजार जेड़े वेले दुनिया तो रुखसत थी से असां ते वो अपने हबीब दी संगत दे असां अपने हबीब दे नाल रखे से अच्छा इत्थां ये नहीं फरमाया कि सिर्फ कब्र च सिर्फ हशर च दुनिया ते शायद कोई मुफस्सिर आज दे दौर दे मुफस्सिर वो आखन भई इत्थों मुराद है दुनियावी गाल है नबी दे नाल उसे इत्थां उलमा फरमेंदन के मुतलक अल्लाह ने गाल बयान कीती है हुक्म मुतलक है जिहड़ा अल्लाह रसूल दी फरमा बरदारी करे अल्लाह उको दुनिया विच भी नबियां दी संगत अता सिद्दीकीन दी शुहदा दी सालिहीन दी ओ दुनिया विच भी हबीबे खुदा दी उसनू कचहरी मिल जांदी है ते कबर विच भी सोने दे नाल होंदे ते जन्नत विच भी सोने दे नाल होंदे जन्नत विच भी सोने दे अच्छा इत्थे ए भी नहीं आख्या भई फलाना कोई जात दी तखसीस नहीं ना सैयद ना खान ना मलिक ना चौधरी ना नवाब कोई नहीं भावे लोहार होवे भावे मोची होवे भावे तेली होवे भावे कुम्हार होवे जमाना जमाना सारा हुकू कमी आखे अगर अल्लाह रसूल दा फरमा बदार है नवाब पिछा हासिल मलिक पिछा हासिल चौधरी पिछा हासिल ओ जमाने दा कमी कुम्हार या लोहार जे को अल्लाह रसूल दी फरमा बरदारी नसीब थी गई है वो मुहम्मद अरबी दे मुबारक गोदिया दे करीब हो जो है अल्लाह दे कुरान दा फैसला बोलो तो सही सुभान अल्लाह तकाजा क्या है तकाजा सिर्फ ही है मोहब्बत दा तकाजा है अल्लाह रसूल दी गाल मनो अल्लाह ताला ये नहीं आके अब ठीक है जेड़ा मेरे नाल मेरे हबीब दे नाल मोहब्बत करे सी दावा करे सी इश्क च आप दी जुदाई बर्दाश्त ना करे सी बस ओ नबी दे नाल उसी ना अल्लाह ताला नाल शर्त ला दित्ती ई चीज दे नाल दिल च मोहब्बत भी होवे ते नबी दे हुक्म दी पाबंदी भी होवे बोलो ते सही सुभान अल्लाह फरमा बरदारी की दुनिया विच भी नबी दी संगत ये बैठे इथाई होंदन दीदा मदीने विच खलकत कुजे दी गोल है हर दम फरीद दे कोल है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जेड़े वेले बंदा अपने आप को अल्लाह रसूल दी मोहब्बत च फना कर देंदे वल अल्लाह सोना उस दे उते इस तरह फजल फरमेंदे
कि दुनिया में या दाता हजमेरी है या ख्वाजा अजमेरी है या शाह सुलेमान है या ख्वाजा फरीद है या ख्वाजा मुहकमुद्दीन सेरानी है, ये साडा भी काम बन गए। सुभान अल्लाह, बैठे हो या वाग गए? सुभान अल्लाह, बेदत नहीं वे रौची वाले बोलो सुभान अल्लाह। सारिया मोहब्बत छोड़, कोई मोहब्बत कम नहीं आवनी, मोहब्बत जे कम आवनी ते अल्लाह रसूल दी। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अजियो ना नुस्खा पेश फरमाया कि जे तुसा चाहते हो नबी दी जुदाई बर्दाश्त तुसा नहीं कर सकते, नबी तू जुदा ना होवो, ते अल्लाह सोने फरमाया बस बिल्कुल आसान है, तुसा अल्लाह और उसके रसूल दी गाल मनो, असा तुहानू नबी दे नाल रखे। अच्छा भाई हुण जरा गौर करना है, मुहब्बत चाहती है इताअत, क्या इताअत? फरमा बरदारी। इताअत की है, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, जो तुहानू रसूल देवे वो घिन घिनो, जिहड़ी चीज तो रोके रुक वञो। वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, रसूल अल्लाह ताला भेजे ही वास्ते कि अल्लाह दे इज़्न नाल उन्हां दी गल मन्नी। पूरा कुरान, पूरी अहदीस, पूरे औलिया सिर्फ इहो मज़मून, इहो फिक्र पेश करें कि अल्लाह रसूल दी मोहब्बत दा मतलब ही है कि अल्लाह रसूल दी, बोलो तो सही यार। अच्छा मोहब्बत अल्लाह रसूल ना हो, अल्लाह रसूल ना हो ते गाल कई महदी मनी वजे, मोहब्बत झूठी हो सी या सच्ची? अच्छा नमाज पढ़ना ये अल्लाह रसूल की इताअत है या कहीं? सुभान अल्लाह, बोलो चा सुभान अल्लाह, उसी वाला बोलो चा सुभान अल्लाह, ही नियत नाल बोलो अल्लाह सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह, नमाज अल्लाह रसूल की इताअत, नबी को इतना पसंद है, फरमाए मेरी अखा दी ठंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ना सौखा है तू सा नसाए, नमाज पढ़ना सौखा है या साल बाद लंगर शरीफ वास्ते 2000 रुपया कारी साहब को देना सौखा है? नमाज पढ़ना सौखा है, जबान ही ना खाए दिल ना लगे, वे सोना जे सौखा है तो भला यही हुक्म रोजाना कीता करो, औखा कम चलो साल बाद चकी तक, ये तो आपको औखा लगने का है से 2000 रुपए में मिला था ते तुसा औखा कम है तोरे ते जिम्मेदार को रोजाना दे ना साल बाद रिवाए
क्योंकि ये भी नबी की मोहब्बत का इजहार है। बोलता सी हम उनसे मोहब्बत का यूं इजहार करेंगे, हम उनसे मोहब्बत का यूं इजहार करेंगे, दिल उनकी इताअत से ही सरशार करेंगे, हमें उनसे मोहब्बत का यूं उनकी इताअत से ही सरशार करेंगे। अल्लाह रसूल की इताअत, नमाज पढ़ना इताअत, मालदार बैठे हो ज़कात देना, कारी साहब मदरसा बनाए, तुम्हारे तामन नारी चलसी ना और चलता पे मैं मुफ्ती साहब किबला दसदे पे हां कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े तामन करण वाले ईमान नाल इहा चीज है जड़ी तो बच सी। बोलो तो सही, लेकिन एक करा कीता करो जड़ी मालदारी ज़कात पूरी कठी करो, उशर पूरा कठा करो, ए ना कि तुम्हारी हजार मान कड़क थी वे 500 मान कड़क थी वे अब से 20 किलो कारी से वे ज़कात आ गई ना जनाब तुसा पुछो कारी साहब की खिदमत ते चाहो मुफ्ती साहब किबला कोल वंजो सही सारी इत्ती कणक थई शरीयत के मुताबिक दसो कितना देऊ जे पूरा कढे सो त कदा फसलां विच बेबरकती कहना वस सौदा करो। सब तो बड़ी तिजारत अल्लाह अल्लाह दे रस्ते च खर्च करना है तेरी बात फरमाए बोलो तो सही। उश्र ज़कात ए भी इताअत मुख्तलिफ उमूर ने इताअत वाले खुलासा ई हो जे मोहब्बत रसूल दिल च तो इताअत रसूल भी आमाल च होवे। जे इताअत रसूल कहनी तवल मोहब्बत रसूल दा दावा, जे नबी की सुन्नत नाल प्यार कहनी, नबी दे तरीके नाल प्यार कहनी। हजरत हातिम असम फरमाया फरमाया मन दा हुब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम من خير اتباع السنه فهو كذاب। فرمایا جڑا نبی دی سنت تو بغیر نبی دی محبت دا دعوی کرے تے او جھوٹ ہے۔ کون ہے جھوٹا ہے؟ اچھا جڑا سنت چھوڑے او جھوٹا تے جڑا فرض ہی پیتی بیٹھو بولو تو صحیح۔ سونا فرض چھڑے سے بھاوے پوری زندگی اچ روزانہ میلاد کر، نعت سن، تقریراں سن، جے نماز دے نیڑے نہ وے سے فرض پورے نہ کرے سے۔ حضرت صدیق اکبر فرمیندن، حضرت صدیق اکبر فرمیندن جڑا بندہ نفلا تے زور رکھے دے، نفل ادا کرے دے، فرض پورے نہیں کرے دا۔ حضرت صدیق اکبر مسلمانہ دے پہلے پیر، نبی دے پہلے مرید، توجہ ہے سبحان اللہ۔ آپ فرمیندن جڑا فرض پورے نہیں کرے دا، نوافل ادا کرے دے، فرمایا اللہ اون دے نفل بھی قبول نہیں کرے۔ इस्लाम कुछ ऐसियां जिड़ियां हलाल हैं, कुछ ऐसियां जिड़ियां हराम हैं। हलाल तेरे वास्ते मुबारक गईयां, जायज कीतियां गईयां, हराम तो मना किया गया। अल्लाह रसूल दी इताअत कर, अपने आप को हराम तू बचा, सूद तू बचा, रिश्वत तू बचा, यतीमा दा माल खावण तू बचा, चोरी तू बचा, डाके तू बचा। ए ना होवे डाका मारिया में तेनू 1000 रुपया कारी से पड़ेगा कि मिला दे सा पांच। चोरी कीतिया में ना हक माल लोका दा हड़प करके ना। इन अल्लाह तय्यबुन, अल्लाह भी पाक है ते कबूल भी पाक को करें दे। इतना नियत बिल्कुल सुथरी होवे, माल भी सुथरा होवे, नियत भी सुथरी होवे। इन्नमल आमाल बिन्नियात, जिहो समय नियत रखे से उहो समाते को दर्जा मिलसी। जे नियत साफ सुथरी होवे कुछ ही ना थी वे तेरे को, कुछ ही ना थी वे। नबी दी इताअत च जिंदगी गुजार, सोहणे ते दुरूद पढ़, ए सारा तेरा मिलाद भी है, ए सारा सोहणे को राजी करण दा तरीका भी है। सुभान अल्लाह। सुल्तानुल आरिफीन फरमांदे ने ना रब मिलदा जे रब मिलदा ना
मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया जे रब मिलदा मुहब्बत इजहार जिस तरीके नाल भी करते हो करो, लेकिन निजात उखरवी का जिहड़ा सब तो वड्डा सबब है वो अल्लाह रसूल दी ताअत है। अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी ईमान नाल, और कितने खुशबख्त ने वो लोग जिन्हां कोल अल्लाह रसूल की इताअत है। और एक कित्थों पैदा होंदी है? जदों अल्लाह का खौफ आंदा है। खुद रसूल अल्लाह रसूल की मुहब्बत आंदी है, फिर उसके अजाबां का खौफ आंदा है। एवें तो नहीं उठ पैंदे रात नूं। कई बाबे वेखे ने गेड़े गिटे उन्हां दे तुरन तो सारे हजार ने तुर नहीं सकते। हुण वी वेखने आ बाबिआं नूं, लेकिन रात तहज्जुद वास्ते उठे खड़े। कीड़ी चीज इन्हां नूं उठांदी है? डर लग जाता है आखिरत का ना, यही चीज अपने अंदर पैदा कर। तू आखना जी सवेरे अख नहीं खुलती, अख खुल जासी, अख खुल जासी जरा कब्रो हशर दे मंजर नु सामने रख। बुजुर्ग फरमाते ने कि एक बंदा तीन चार दिन का थकिया हो गया, ते सफर कर करके थक के आया हो, नींदर उन्हें की ना हो, जागदा रहा हो, जगारा हो, सरेकी दसा जगारा हो, ते चार पांच रिवारा मुसलसल इतहाई चूर हो, ते उदे वास्ते तुसा कमरा को एसी वाला कमरा हो, नरम बिस्तर हो, हुकूंदे विच दाखिल करके समावन लग्या, सिर्फ इतना आखो से ख्याल कराई था ना गिरह दे है। ईमान ना दस पांच रिवारा दा थक्या होया अखी जड़ा मसले दा वदा होवे, अद्धी गाल करे नेंद्रे ते अद्धी में दरवाजे पड़ दे, सिर्फ इतनी फूक मार कान च, मौली साहब तू तकिया कर कर दे थके बंदे वे कमरे च ना गिर हंदे, मैं तुहाडी गल नहीं करदा अपनी चक्कर कमरे च ना गिर हंदे। ईमान ना दस नेंद्रा से कहना अस क्यों हुण सप दा डर जो आ गया, मौत दा खौफ आ गया। अच्छा सप डंग मारे, जे अल्लाह ना मारे तो नहीं है मरते, मरते ना मर से सप भावे जितना मर्जी डंग मारे, एक सप दे खौफ को पांच राती दा जगारा तेरा खत्म थी गे। कदें सोची कि मौत बिल्कुल करीब है, सप ओ डंग मारे मौत आवे ना आवे, लेकिन बगैर सप तू बगैर डंग तू एक नजरिया बना कि कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। वाला थोड़ा जिहा ये भी याद कर कि इत्थां ता एसी भी है, इत्थां ता नरम बिस्तर भी है,
एक सप ते जिहड़े वेले कबरा सी ते उहदा पत्ता कहिंदी किहड़े वेले वजणे उत्था क्या बण सी थोड़ा जिहा बस इहने ज़हन च बणा आखरत दे मंजर को याद रख कसम खुदा दी ए वल निंदरा उड वेसन जिहड़े वेले निंदरा उड सन ते दिल साफ थी सन क्योंकि ए गफलत दी निंदर च बंदा रख के तबाह ते बर्बाद थी वेंदे जिहड़े वेले अल्लाह रसूल दा खौफ दिल च आवेंदे वल दिल दी दुनिया आबाद थी वेंदी है नमाज़ा वल सवेर दी भी नहीं छुटदी इशा दी भी नहीं छुटदी मेरा जान जे मोबाइल वास्ते दुनिया वास्ते साकू वक्त मिल वेंदे तो थोड़ा जिहा गौर फिक्र कर अपनी जिंदगी के बारे कोई पता नहीं इंतहाई लेकिन ये जुमला असा आख ता बांधे लेकिन इत्थे अमल कोई नहीं ना मेरा ना तुहाडा असल अमल कोई नहीं साडे दिल च ओ तड़प कोई नहीं दिल जंग लूदा है गाल सुन सुन थोड़ी वाह वाह भी आखसू सुभान अल्लाह भी आखसू जिवें महफिल च उठी सू वला हुआ इहदे वास्ते कुछ इलाज करो अल्लाह ताला अपने हबीब की सच्ची मुहब्बत आप दी इताअत नसीब फरमावे कब्र हशर की तैयारी की तौफीक अता फरमावे पहली बार जी नाज शरीफ पढ़ी आवे मोहम्मद दा रुतबा दसा कोई नहीं सकदा मोहम्मद जुत्ती ना भूल के हकीकत दा पर्दा उठा कोई नहीं सकदा मोहम्मद दा रुतबा दसा कोई नहीं सकदा हकीकत दा पर्दा उठा कोई नहीं सकदा मोहम्मद दा रुतबा दसा कोई नहीं सकदा तू मने भावे नाम मिनल्लाहे नूर तू मने भावे नाम मिनल्लाहे नूर गवाह रबीदा फिर मोहम्मद दा रुतबा दसा कोई नहीं खुदा ईदे दर ते खुदा ते दर ते क्या मुजरिम मुजरम पठे दे बजुस तेरे जन्नती फड़ा कोई नहीं सकदा हकीकत दा पर्दा उठा कोई अबू बकर फारूक कठे मजार अबू बकरो नजरिया बनो इस वक्त राफजियत नू फरोग देवन वास्ते नाथा तबका नकीब तबका साडे अकायद को तबाही आले पासे घिन मंजन वास्ते अपना खास किरदार अदा करे नबी दे पाकी सहाबा उन्हां दियां अजमतां उन्हां दा किरदार उन्हां दियां मेहनतां
कौम दे सामने उजागर नहीं कीतियां वेंदियां। जाहिर है तुसां अपने बालां दे दिल च अपने असलाफ दी मोहब्बत हो वेले पेसो जिहड़े वेले उन्हां दे किरदार उन्हां दे जिक्र उन्हां दी अजमत को बयान करे सो। जे अगर अज तुहाडा बाल दी जुबान ते पाक अली दा नाम जारी थी गे तही बाल दी जुबान ते नाल सिद्दीक ओ फारूक जुबान दा नाम भी जारी असहले सुन्नत दा इस अंदाज नाल अल्हम्दुलिल्लाह असा गुल्म वाले कोई नहीं मुनकर नहीं असा ना शान कह दी अपनी तरफों बधा सकते हैं खलीफा बिला फसल पीर पहला पीर उम्मत दा सिद्दीक हजरत उमर भी आप दी इमामत बैत दे अंदर हजरत उस्मान भी आप दी हजरत अली भी आप दी उना पाका नू एक पासे रख के सिर्फ हजरते पाक अली दा जिक्र पजारी जुबान नाल पेश कीता जावे अहले सुन्नत दा ए वतीरा नहीं। असी अल्हम्दुलिल्लाह नबी दे तमाम सहाबा नू उस तरीके दे नाल उना दे नाल मोहब्बत रखने आ जिस तरह अल्लाह दे पाक हबीब ने फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सिर्फ कुर्बानी पाक अली ने नहीं दित्ती हसन हुसैन ने नहीं दिती इत आओ उठाओ सब तो पहले कुर्बानी सिद्दीक ने दिती है। बोलो तो सही ना घबराने की वो जिस तरह अली का नाम आवे ते हाथ चुकते हो जरा सिद्दीक के नाम ते हाथ चुको हाँ जीवन बोलो सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ इस वास्ते थानू ये जहमत दिती है कि अपने दिलों में मोहब्बत अली का बतौरे नाम एक नुमाइश करके सहाबा दा बुग्ज दिल च ना पालो और ऐसे बाजारी लोगों तू बचो। और ये बिल्कुल बाजारी जुबान है बिल्कुल जो इस्तेमाल होती है तमाम नबी दे सहाबा तमाम नबी दे सहाबा अजमत वाले ने बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। इत्थे थोड़ा दिल कर रहे हैं कि नबी दे सहाबा दी बारगाह विच पेश कर उच्ची आवाज़ में बोलो ना सुभान अल्लाह। बण यार नबी दे यारां दा बण यार मुनकर वैरी सड़दे रहसन खम दिया आही भर दे रासन ओ नंबर वाले नंबर लेके प्यार है सब दिल दारा दा बन यार नबी दे ये पैगाम पहुंच जाए जो लोग ये कहते हैं कि जो अली को ना माने वो हलाली नहीं। मैं कहूंगा जो सिद्दीक को ना माने वो भी हलाली नहीं जो उमर को ना माने वो भी हलाली नहीं जो उस्मान को ना माने वो भी हलाली नहीं जो इमाम हसन इमाम अली को ना माने वो भी हलाली नहीं जो मेरे तमाम नबी के सहाबा के बारे में बुक रखे वो भी हलाली। इत्तेफाक रुचि वाला बोलो ना जी हाथ खड़ा करो अली के नाम पर ये नातखा भी पढ़ने वाले लेकिन जब सिद्दीक हजरत खुसूसन मुआविया का नाम आए ये नाम लिया करो ये नबी के सहाबा है और वो सहाबा है जिनकी अजमत मेरे नबी ने अपनी जुबान नबूवत से बयान की है। बोलो तो सही मोहब्बत रखो ग
گل لمبی ہو جانی ہو شیر پڑھ رہے سر ابو بکر فاروق او کٹھے مزار چی اے جی سچی یاری تھبا کوئی نہیں سکتا حقیقت دا پردہ اٹھا کوئی نہیں سکدا سبحان اللہ شیرالی ہو دل تو ہرگز نہ چھوڑی شیرازی دردا کتا بھجا کوئی نہیں سکے دا حقیقت دا پردا اٹھا کوئی نہیں سکتا اللہ تعالی ناچیز دی اسا سب دی حاضری نو شرف قبول عطا فرماوے وآخر دعوان الحمدللہ